क्या आपको पता है ये फागुन सुद तेरस की यात्रा क्यों करते हैं और ये यात्रा कब से शुरू हुई और ये यात्रा कैसे करनी है, तो आए ये वीडियो के माध्यम से हम जाने। हे गिरिराज नादीना, तारी यात्रा करवाने का इच्छा से मन शक्ति आप तो। हे गिरिराज नादीना, तुम्हारा मन नी बस एक जहा शत्रुंजय तने भेट बाबु। आज से कई साल पहले नेमिनाथ भगवान के शासन में विष्ण महाराजा हुए। उनके दो पुत्र थे, श्याम और प्रद्युम्न। नेमिनाथ भगवान की पावन वाणी सुनकर श्याम और प्रद्युम्न को वैराग्य हुआ। नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा लेकर परमात्मा की आज्ञा से सिद्धाचल गिरिराज पर ध्यान और तपस्या करने लगे। अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर फागुन सुद तेरस के दिन शत्रुंजय गिरिराज के भाडवा डूंगर से श्याम और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनिवरों के साथ मोक्ष में गए। उनके दर्शन के लिए और अनंत सिद्ध भूमि की स्पर्शना के लिए करीबन 84,000 सालों से फागुन सुद तेरस की यात्रा चल रही है। फागुन सुद तेरस की यात्रा के अंदर सिद्धाचल गिरिराज के सभी देरासर आ जाते हैं। जो भूमि में से अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष में गए हैं, वो भूमि की स्पर्शना के लिए खुले पैर ही यात्रा करनी चाहिए। जो पुण्यात्मा 6 गांव की यात्रा करते हैं, वो कुछ ही भाव के अंदर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 6 गांव की यात्रा जय तलिकी से शुरू करते हैं, तो ग्राम पोल तक 3,303 पगथिये चढ़ने होते हैं और ग्राम पोल से दादा के दरबार तक 198 पगथिये चढ़ने होते हैं। टोटल 3,503 पगथिये के बाद दादा के दर्शन होते हैं। दादा के दर्शन और चित्त वंदन करके रामपोर की बारी से निकलकर 6 गांव की यात्रा शुरू होते ही 100 पगथिये उतर के ही राइट साइड में देवकी माता के 6 पुत्र यानी कृष्ण महाराजा के 6 भाई की देरी है। वहाँ दर्शन करके आधे गांव जाने के बाद उल्खा जल नाम का पवित्र स्थल आता है। वहाँ पर दादा आदिनाथ भगवान के पक्षाल का जल आता है। उसकी दाई ओर में एक देरी के अंदर दादा आदिनाथ भगवान की चरण पादुका विराजमान है। उधर दर्शन चित्त वंदन करके पौने गांव आगे जाने के बाद चिल्लन तलावड़ी यानी चंदन तलावड़ी आती है। उधर अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की देरी है। उधर चरण पादुका पे दर्शन चित्त वंदन करके चंदन तलावड़ी पर अवसर करना है, क्योंकि चंदन तलावड़ी पर से अनेक महात्माओं अनशन करके मोक्ष में गए हैं, इसलिए हमें भी वहां पर अवसर करना अवश्य है। फिर 2 माइल आगे जाने के बाद भांडवा के डूंगर आते हैं। वो शिखर पर आदिनाथ भगवान के चरण पादुका और श्याम और प्रद्युम्न के चरण पादुका है। आज के दिन उनके दर्शन का बहुत महत्व है और उधर चित्त वंदन करना है। भांडवा के डूंगर के दर्शन करके जब यात्रा नीचे पूर्ण होती, वहां पर एक वट वृक्ष आता है। वह वट वृक्ष के नीचे अनेक आत्मा सिद्धि पद को गए हैं, इसलिए वह स्थान को सिद्धवड़ कहा जाता है। सिद्धवड़ आदिपुर धाम की सीमा में आता है। आदिपुर धाम का नाम आदिनाथ भगवान के नाम पर से पड़ा है, क्योंकि आदिनाथ भगवान जब जब भी शत्रुंजय गिरिराज की स्पर्शना के लिए आते थे, तब तब आदिनाथ भगवान आदिपुर धाम के रास्ते से आते थे। श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्रे दिखे दुर्गतिवारे, भावधरी ने जे चढ़े तेने भवपार उतारे, तेने भवपार उतारे। आइए इस पवित्र गिरिराज की फागुन सुद तेरस की यात्रा करके अपना जीवन धन्य बनाइए। प्रभु की आज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मिच्छा में विक्रम। हर कदम धर्म की ओर, हर कदम शासन की ओर।